अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में कैसे फंक्शंस को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है f ऑफ x बराबर 5x प्लस 2 एंड g ऑफ x आपको दिया गया 2x स्क्वायर माइनस 3 देन 5। फिर हमने क्या फाइंड करना है, f ऑफ g ऑफ x हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन f ऑफ x हमें दिया गया है f ऑफ x के 5x प्लस 2, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 2। अभी इस x को जो x है इसको हम रिप्लेस करेंगे किससे, g ऑफ x से, क्योंकि हमने हमें क्या फाइंड आउट करना है f ऑफ g ऑफ x। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, रिप्लेस x बाय g ऑफ x। अभी जहां पर x है वहां पर हमें क्या करना है, g ऑफ x लिखना है। तो यहां पर f ऑफ इस x की जगह मैं क्या लिखूंगा, g ऑफ x 5 x की जगह मैं क्या लिखूंगा, g ऑफ x लिखूंगा, ठीक है, प्लस 2, ठीक है। अभी क्या करेंगे, f ऑफ g ऑफ x को इस तरह पर हम लिख सकते हैं। अभी 5 g ऑफ x की जगह मैं क्या लिखूंगा, g ऑफ x की जगह मैं लिखूंगा 2x² - 3 प्लस 2, ठीक है। फिर इसका 5 to the 10 एक्स की पावर 2, 5 3 15 - 15 प्लस 2। फिर क्या आ जाएगा, 10 एक्स की पावर 2, 15 में से 2 निकालो कितना बचेगा, -13। तो ये हमारा f ऑफ g ऑफ x हो गया, ये आंसर है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, g ऑफ f ऑफ x हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले g ऑफ x लिखेंगे, सॉल्यूशन g ऑफ x, g ऑफ x क्या दिया गया, 2x की पावर 2 - 3। अभी x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे हम लोग, f रिप्लेस f ऑफ x रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस x बाय f ऑफ x। इसमें हम क्या करेंगे, f ऑफ x रिप्लेस करेंगे, उसमें हम क्या रिप्लेस करते थे, g ऑफ x, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 2, इस x की जगह में क्या रिप्लेस करूंगा, g ऑफ x, यहां पर क्या आ जाएगा, g ऑफ x का स्क्वायर माइनस 3। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 g ऑफ x, g ऑफ x की वैल्यू क्या है, g ऑफ x की वैल्यू आपके पास, सॉरी f ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या है, 5x + 2 का स्क्वायर माइनस 3। यहां पे अभी क्या लगेगा, स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो क्या आ जाएगा, 2 ये आपके a फार्मूला लगेगा, a प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर 2 प्लस 2ab प्लस b की पावर 2। तो यहां पर a की पावर 2 लेके 5x की पावर 2 प्लस 2 a क्या है, प्लस 5 है x है, b क्या है, 2 है, a 2 आ जाएगा और प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा, माइनस 3, ठीक है। अभी क्या करेंगे, 2 5 5 25 x की पावर 2 प्लस 2 5 10 10 to the 20, फिर 2 2 4 माइनस 3। अभी क्या करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 25 50 आ जाएगा x की पावर 2, ये x है सॉरी, अच्छा 2 20 40 ये 40 x हो गया, 2 4 8 ये 8 हो गया, माइनस 3। तो यहां पर क्या रहेगा, g ऑफ f ऑफ x, ठीक है, g ऑफ f ऑफ x क्या आ गया आपके पास, 15x की पावर 2 जमा 14x, 8 में से 3 निकाल कितना बचेगा, 5 प्लस 5, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, f स्क्वायर ऑफ x। अभी f ऑफ x सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, f ऑफ x अभी दिया गया है, f ऑफ x क्या है हमारे पास, f ऑफ x हमारे पास है 5x प्लस 2, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 5x प्लस 2, फिर क्या आ जाएगा, इसको रिप्लेस करेंगे, f ऑफ x को f स्क्वायर ऑफ x चाहिए ना, तो आपको डबल f ऑफ x चाहिए, तो रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस x बाई f ऑफ x, ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, f ऑफ x, ठीक है।
इस तरह जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर क्या जाएगा, इस की जगह फाइव एक्स की जगह क्या लिखूंगा, जी एफ ऑफ एक्स लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टू, ठीक है। फिर क्या जाएगा, फाइव एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, फाइव एक्स प्लस टू, तो यहां पर फाइव एक्स प्लस टू इन टू प्लस टू। फिर क्या आ जाएगा, फाइव फाइव सर ट्वेंटी फाइव, ये ट्वेंटी फाइव आ गया, फाइव टेन सर फाइव टू सर टेन, ये टेन हो गया प्लस टू, तो ये एफ स्क्वायर एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ स्क्वायर ऑफ एक्स, एफ स्क्वायर ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस टेन और टू कितने बचे ट्वेल्व, तो ये हमारा आंसर हो गया।